बालोद जिला के मंचुआ थाना क्षेत्र में बिजली बंद होने के कारण वहां पदस्थ एएसआई ने सब स्टेशन में घुस बिजली विभाग के जेई को गाली गलौज कर थप्पड़ जड़ दिया। इस मामले में जेई ने एएसआई के नशे में होने का आरोप लगाया है। 33 केवी बिजली लाइन में फॉल्ट आने के बाद बालोद जिला के मंचुआ थाना क्षेत्र में लाइट बंद हो गया, जिसके बाद वहां पदस्थ एएसआई को दो अन्य पुलिस कर्मियों के साथ सब स्टेशन पहुंच गए, जहां एएसआई के कनिष्ठ अभियंता से गाली गलौज कर उसे थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित जेई ने एएसआई पर नशे में होने का आरोप लगाया। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर और एसपी से की गई। एएसआई के जेई को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कल जूना पानी क्षेत्र में 33 के वी लाइन ब्रेक डाउन था, वहाँ पर मैं अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश से लाइन स्टाफ के साथ लाइन सुधार करने के लिए गया हुआ था। 33 के वी लाइन में सुधार होने के पश्चात हम लोग बस्ती फीडर को ठीक कर रहे थे। दो बस्ती फीडर चालू हो गया था, एक बस्ती फीडर लाइन में खराबी के कारण ब्रेक डाउन दिखा रहा था, जिसको मेरे सभी स्टाफ फील्ड पर सुधार के लिए गए हुए थे। मैं जूना पानी सब स्टेशन में ऑपरेटर के साथ था। उसी समय मंचुआ थाना से पुलिस के 3 कर्मचारी आए और बंद के लिए मेरे को पूछने लगे। मैं जैसे ही उनको समझाने की कोशिश किया, वो मेरे साथ माँ बहन की गाली करने लगे और मुझे हाथापाई भी किया। वो 3 लोग थे, उसमें जो मेरे साथ हाथापाई किया वो बनियान और चड्डा बस पहने थे, वो उसके मुंह से बदबू आ रही थी और वो नशे की हालत में लग रहा था। वो उनका नाम भांडेकर बता रहे हैं, दुलार राम भांडेकर। पीएल सारे कार्यपालन अभियंता संभाग बालोद, कल हमारे संभाग के अंतर्गत जो सब स्टेशन जुन्ना पानी है वहाँ लाइन फॉल्ट होने पे हमारे स्टाफ हमारे सब इंजीनियर द्वारा पेट्रोलिंग किया जा रहा था और पेट्रोलिंग करके लाइन चालू भी हो गई थी। तो उसी दौरान मंगचुआ थाने के जो टीआई और उनके जो दो आरक्षक थे वहाँ पहुँचे और हमारे सब स्टेशन के अंदर प्रतिबंधित एरिया के अंदर हमारे जेई साहब को झूमा झटकी करके थप्पड़ जड़ दिए और वहाँ से निकल गए, और जिसके खिलाफ हमारे पूरे अभियंता संघ कर्मचारी बंद सभी आए हैं एफआईआर करने के, लेकिन यहाँ एफआईआर नहीं किया जा रहा है। बहरहाल घटना के बाद जिले के एसपी जितेंद्र कुमार ने सोशल मीडिया में वायरल वीडियो होने के बाद एएसआई को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले में जांच के बाद वैधानिक कानूनी कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिलाया है। बालोद से इंडियन न्यूज के लिए किशोर साहू की रिपोर्ट।